दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे पिस्टल रिवॉल्वर को के संबंध में सुरक्षित रख रखाव कैसे करें। यह डीजी परिपत्र संख्या 28 वर्ष 2011 का है। आप देखते होंगे समाज में कि किसी के बच्चे ने हर्ष फायरिंग कर लिया, किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी के परिवार के सदस्य ने, तो यह उसी चीज का परिणाम है कि हम पिस्टल और रिवॉल्वर सुरक्षित नहीं रखते। इसी संबंध में डीजी परिपत्र संख्या 28 वर्ष 2011 में इसे रखरखाव के संबंध इसी के रखरखाव के संबंध में निर्देश दिए गए, लेकिन प्रायः यह देखने मिलता है कि उसका कड़ाई से अनुपालन नहीं होता है और जिसका बहुत विपरीत परिणाम भुगतना पड़ता है, बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और शस्त्रों के खो जाने, छीन लिए जाने आदि का खतरा बन जाता है। दिनांक 23/9/11 को लखनऊ के 4 बाग बस स्टैंड में घटित घटना शस्त्र को समुचित रूप से धारण न किए जाने के का अस्पष्ट उदाहरण है। शस्त्रों के उचित ढंग से रख रखाव एवं उनके धारण किए जाने के संबंध में पुनः आप सभी का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं। शस्त्रों को धारण किए जाने हेतु उपयुक्त होलस्टर का प्रयोग किया जाए। होलस्टर को विधिवत कमर के बेल्ट में भली भांति बांधा जाए। इस शस्त्रों को गुप्त रखने की दृष्टि से कंधों पर धारण किए जाने वाले होलस्टर भी आते हैं। इस प्रकार के होलस्टर का प्रयोग किया जाए जो उपयुक्त व मजबूत। शस्त्र को डोरी कोड के जरिए भी अग्रेतर सुरक्षित किया जाए। कोड को सुरक्षित रूप से पहनने पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस दिशा में शस्त्र धारण करने वाले कर्मी की व्यक्तिगत सतर्कता अधिक महत्वपूर्ण है। अतः शस्त्र की सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए। मानक सिद्धांतों के सापेक्ष वस्तुतः विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल पद्धतियों तथा बिना डोरी के शस्त्र को होलस्टर में रखना, बिना डोरी होलस्टर के शस्त्र को पेट में अथवा पीठ में बेल्ट का दबाव बनाते हुए घोषणा आदि को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्धारित मानक के अनुरूप शस्त्र धारण करते हुए अपने अधीन सभी कार्मिकों को पुनः प्रभावी रूप से निर्देशित करें और इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी प्रकार की अवहेलना की स्थिति न उत्पन्न हो। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया